चीन में तेजी से फैल रहा कोरोना वायरस अब भारत और नेपाल की सीमा तक पहुंच गया है। इस वायरस से कई लोगों की मौत हो चुकी है, जिसको देखते हुए भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय सक्रिय हो गया है। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बाहर से आने जाने वाले नागरिकों पर नजर भी रखी जा रही है, जिसका नजारा शनिवार को इंदौर में देखने को मिला। दरअसल चाइना से इंदौर आए दो मेडिकल स्टूडेंट्स को कोरोना वायरस का संदिग्ध मानकर एमवाई अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसको लेकर एमवाई अस्पताल अधीक्षक पीएस ठाकुर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इंदौर की एक युवती और खरगोन का युवक चाइना से लौटे थे, जिन्हें एहतियात के तौर पर एमवाई के चेस्ट डिपार्टमेंट में भर्ती किया गया है। दोनों की जांच के लिए फ्लाइट से सैंपल पुणे भेजे जाएंगे, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही दोनों को डिस्चार्ज किया जाएगा। हमारे एमवाई में अभी दो मरीज आए हैं, एक लड़का है एक लड़की है, दोनों स्टूडेंट हैं। एक खरगोन से आया है, एक इंदौर से आया है। जो खरगोन से लड़का आया है वो निंचेंग जो बोहान से 350 किलोमीटर दूर वहाँ से आया है, और जो लड़की है वो बोहान से आई है। और दोनों चूँकि अभी वहाँ से आए हैं, इसलिए उनको सावधानी बस भर्ती कर लिया है। उनके सैंपल NIV जो लैब है पुणे में, वहाँ भेजे जा रहे हैं, और जब लैब से जाँच होने के बाद ही कन्फर्म होगा कि उनको कोई ये बीमारी है या नहीं कोरोना वायरस की। तो ये एज अभी दोनों युवा हैं, मेडिकल स्टूडेंट हैं। अच्छा। तो इनके बारे में जो भी है, बाकी जो विस्तृत जानकारी है उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही दे पाऊंगा। हॉस्पिटल में किस तरह की तैयारी है, इस तरह के पेशेंट्स? पूरी तैयारी है, हमने पूरा एक फ्लोर ही पूरा आइसोलेशन वार्ड बना दिया है, और उनके लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं। मतलब संसाधन के बहुत सारे बेड, मतलब मान के लिए 50 बेड का हमने इंतजाम कर लिया है आवश्यकता पड़ने पर। नहीं, वो तो पूरा टोटल एक हम अलग कर रहे हैं, अभी तो फिलहाल दो ही मरीज हैं, लेकिन जितने भी हमारे पास मरीज आएंगे उसके लिए हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था है। अभी मैं फिलहाल अब इसके बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, इतना पर्याप्त है आपके लिए। नहीं, ये जानकारी मैं लेने के बाद बताऊँगा। फिलहाल मैं हमारा जो नहीं, हमारे पास खरगोन, एक खरगोन से इंदौर से आया है, दोनों को हमने भर्ती कर लिया है। सावधानी बस अब उनके सैंपल भेजे जा रहे हैं, उसके सैंपल आने की रिपोर्ट आने के बाद ही हम सुनिश्चित करेंगे कि इनको ये उससे पेशेंट हैं या नहीं। फिलहाल अभी सबसे संपर्क में है, सभी प्रशासनिक अधिकारी सभी उसमें एक्टिव हैं, है ना, सभी एक्टिव हैं, सबसे संपर्क हो गया है और अभी सब बातचीत चल रही है। आर्ट इंडिया न्यूज के लिए इंदौर से दाऊद कुरैशी की रिपोर्ट।